नमस्कार दोस्तों, कान्हा रिपेयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों, डेस्कटॉप जो कंप्यूटर होते हैं, इन कंप्यूटर में एक दिक्कत आता है कि जैसे हम टाइम डेट को सेट करते हैं, उसको फिक्स करने का कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा जो डेट और टाइम जो है वो फिक्स नहीं होता है। जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, अभी जो हमारा कंप्यूटर है उसका टाइम और डेट को अभी आप देख सकते हैं। देखिए, ये अभी 1/1/2002 दिखा रहे हैं दोस्तों। तो ये जो डेट है इनको जैसे हम सेट करते हैं तो ये तो सेट हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑफ करते हैं और 2 घंटे 4 घंटे बाद पुनः ऑन करते हैं तो ये जो डेट है वो फिर से इसी स्थिति में आ जाता है। तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं दोस्तों, ये मैं आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि इसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी दिखा देते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये कैसे होता है। अभी हम आपको दिखाएंगे दोस्तों, ये जो डेट है उसको हम अभी आपको दिखाएंगे चेंज करके, और चेंज करने के बाद भी ये जो डेट है वो फिर से वैसे का वैसे हो जाता है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, ये जो डेट है उसको हम अभी चेंज करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ जाएंगे दोस्तों इसके सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद हमको यहाँ आ जाना है और यहाँ से हमको अभी का डेट चुन लेना है। तो यहाँ हम जाएंगे, यहाँ फिर एक बार सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम अपना ईयर को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा ईयर है वो है, इधर आगे बढ़ेंगे, अभी हमारा चल रहा है 2023। हम और आगे आगे, यहाँ देखिए 2023 अभी चल रहा है अप्रैल, और आज का डे है, देखिए यहाँ हाईलाइट है 4, और यहाँ से हम इसको टाइम को भी हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं। अभी देखिए, अभी हमारा जो है 5, और यहाँ से हो रहा है दोस्तों 30, और हम सेकंड को चेंज नहीं करते हैं दोस्तों, और हम यहाँ से अभी कर देते हैं इसमें ओके, और फिर से हमको यहाँ करना होता है ओके। अब यहाँ देखेंगे तो देखिए टाइम डेट जो है वो हमारा चेंज हो चुका है दोस्तों। देखिए 4/4, ये देखिए 4/4/2023, और यहाँ से हमारा देखिए टाइम भी हमारा यहाँ सेट हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, इसे हम जैसे शट डाउन करेंगे तो ये जो डेट है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हमारा जो है फिर से जो अभी हमको देखने को मिला था डेट वैसे ही ये चला जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसे देख लेते हैं शट डाउन करके, और उसके बाद फिर से इसको हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर को, और ये रिजल्ट हमको क्या मिलता है उसको हम देखते हैं। तो दोस्तों इसे हम कर देते हैं अभी शट डाउन, हम यहाँ गए और यहाँ से हम कर देते हैं इसको शट डाउन। उसके बाद फिर हम इसको दिखाएंगे दोस्तों ऑन करके, और देखेंगे कि इसका जो डेट है वो ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है, ये फिक्स हुआ कि फिक्स नहीं हुआ है। तो देखिए दोस्तों, हम अब इस कंप्यूटर को फिर से हम कर देते हैं ऑन, हम ऑन कर दिए हैं। ऐसे प्रॉब्लम बहुत आते हैं दोस्तों कंप्यूटर में, और हम परेशान हो जाते हैं कि जो हमारा डेट है वो हम फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। जब भी हम अपना कंप्यूटर बंद करते हैं और जो हमारा डेट है वो फिर से वैसी स्थिति में आ जाता है, और हमारा जो डेट है वो शो नहीं करता जो हम सेट करते हैं, जो फिक्स करते हैं अपने कंप्यूटर में। तो वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, हमने अभी कंप्यूटर ऑन किए हैं और आप
देख सकते हैं, डेट को देख लीजिए, ये 1/1/2002 ये फिर से वैसी हो चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके के अगर आपके भी कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ रहे हैं तो इसे आप किस तरीके से ठीक कर सकते हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, इनके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमको यहाँ आना होगा दोस्तों, हमको सीपीयू पर, ये जो सीपीयू है उसे हमको करना है ओपन। ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये जो हमारा सीपीयू है वो ऑन है और ये देखिए जो हमारा पेन है वो चल रहे हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, जिसके वजह से जो हमारा डेट है वो फिक्स नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं बता दूं कारण क्या होता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पास आपको देखने को मिल रहे होंगे एक बैटरी देखने को मिल रहा है, ये देखिए ये होता है सीमाउस बैटरी। ये बैटरी अगर आपका ख़राब हो जाएगा तो ये जो है डेट और टाइम को नहीं बताता है। ये जो बैटरी होता है वो कंटिन्यू अपना चलते रहता है, अपना काम करते रहता है, तभी जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो हमारा जो डेट है उसको कंटिन्यू ये बनाए रखता है। तो दोस्तों, ये जो बैटरी है वो बैटरी ही ख़राब हो चुका है हमारे जो मदरबोर्ड में लगा है। तो ये जो बैटरी को हम अगर चेंज करते हैं तो ये जो हमारा सिस्टम में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं टाइम डेट को फिक्स करने का, वो यहाँ से फिक्स हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से हम इसको फिक्स कर सकते हैं। तो इसके जगह में हम एक न्यू बैटरी डालते हैं। सबसे पहले हमको करना है कंप्यूटर को ऑफ कर देते हैं, हम यहाँ से अभी कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हैं, ये हम कर दिए शट डाउन। और ऐसे बैटरी आते हैं दोस्तों, ये देख पा रहे होंगे, ये देखिए इस तरीके के बैटरी आते हैं, उसे आप लगा सकते हैं। ये देखिए ये 10 रुपये ही पड़ता है दोस्तों, एक बैटरी 10 रुपये पड़ेंगे। और इस बैटरी को लगाने के बाद जो है आपका जो सिस्टम है सही से बताना स्टार्ट कर देगा। तो चलिए दोस्तों, हम इस बैटरी को चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पुराने बैटरी को निकाल देते हैं। तो बैटरी को निकालने के लिए हमको लेना पड़ेगा एक पेचकस का हेल्प ले सकते हैं, या कोई भी नुकीला चीज़ से आप इस बैटरी को निकाल सकते हैं। तो देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ देखिए यहाँ पास से हम इसको निकाल सकते हैं ऐसे पकड़ के, ये देखिए हम निकाल रहे हैं इस बैटरी को, ये देखिए इस तरीके से करेंगे तो ये जो बैटरी है हमारा ओपन हो जाएगा। ये देखिए ये जो बैटरी है उसको हम निकाल लिए हैं और इसके जगह में एक न्यू बैटरी को हम लगा देंगे यहाँ। ये हम न्यू बैटरी डालने वाले हैं इसमें, सीमॉस बैटरी। इस बैटरी को लगाना बहुत ही आसान होता है लगाने का, ऐसे रखना है, थोड़ा सा अंधेला हो गया है दोस्तों, ये देखिए और ये लग गया, ये जो बैटरी है वो हमारा लग चुका है, देख सकते हैं। अब इसे हम ऑन करते हैं, देखिए ये ऑन हो चुका है। इस तरीके से आप भी बैटरी को चेंज कर सकते हैं दोस्तों, ये 10 रुपये पड़ता है एक बैटरी, आप लगा सकते हैं सीमॉस बैटरी और अपने कंप्यूटर को भी आप इसी प्रकार से आप फिक्स कर सकते हैं। और अभी हम आपको दिखाते हैं इसको टाइम और डेट को चेंज करके। तो देखिए ये जो हमारा कंप्यूटर ऑन हो चुका है, अब यहाँ से हम इसका जो टाइम है और डेट है उसे हम चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ से फिर से हम जाते हैं सेटिंग में और यहाँ से हम इसका टाइम और डेट को अभी चेंज कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से हम यहाँ जाकर एक बार इसमें और क्लिक करना है और यहाँ से हमको
अपना ईयर को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ हमारा ईयर 2023 है, अप्रैल है और 4 डे है, और यहाँ से हम कर दिए ओके। और इसी प्रकार से देखिए ये जो हमारा चेंज हो गया है, हम टाइम को भी चेंज करने के लिए यहीं से कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ से हम इसको सिलेक्ट किए अभी 5, और यहाँ से हम लगा लेते हैं, ये हो गया है अभी 42, और यहाँ से हम इसको कर देते हैं ओके, और यहाँ से फिर हम इसको कर देते हैं ओके। अब यहाँ से हम देखते हैं दोस्तों, तो देखिए ये जो हमारा टाइम है और डेट है वो देखिए चेंज हो चुका है। अब इसे हम शट डाउन करके देखते हैं दोस्तों कि ये जो हम बैटरी लगाए हैं उससे ये फिक्स हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ से हम कर देते हैं इसे अभी शट डाउन, ये देखिए। अब इसे हम फिर से आपको ऑन करके दिखाते हैं कि ये जो हमारा फिक्स हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखिए दोस्तों हमारा जो कंप्यूटर है वो ऑफ हो चुका है। अब यहाँ से हम फिर इसको ऑन करते हैं, देखिए हमने कंप्यूटर ऑन कर दिए हैं। देखिए दोस्तों जो हमारा कंप्यूटर है वो ऑन हो चुका है। अब हम आपको लेकर जाते हैं टाइम और डेट की तरफ। तो देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारा टाइम है और जो डेट है वो देखिए, हम जो भी टाइम और डेट लगाए थे और वो डेट चल रहे हैं, टाइमिंग भी देखिए अभी हो गया है 45। तो देखिए हमारा ये कंटिन्यू चल रहे हैं। ये जो प्रॉब्लम होता है दोस्तों ये होता है सीमॉस बैटरी का होता है, जो कि हम इसे लगाकर अपने कंप्यूटर को ठीक कर सकते हैं और इसे टाइम और डेट को हम फिक्स कर सकते हैं। तो ये होता है सीमॉस बैटरी, और ये हमको 10 रुपये में मिल जाता है। कहीं भी कंप्यूटर शॉप में जाओगे तो ये आसानी से आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल कान्हा रिपेयर को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।